चलिए सबकी अगली खबर से रूबरू कराते हैं, जिसमें आप सभी बता दूं कि भारत ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में वनडे सीरीज चल रही थी 3 मैचों की, और भारत ने तीनों मैच अपने नाम कर लिए हैं, और इसी के साथ में क्लीन स्वीप करने के साथ में 49 साल पुराना रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम कर लिया है। इसी दरमियान आप सभी को बता दें कि कल मैच बड़ा रोमांचक रहा, जिसमें बारिश भी आई थी, जिसमें भारत ने 119 रन से मैच अपने नाम किया है। 36 ओवर के अंदर भारत ने पहले खेलते हुए 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं मैच के अंदर आप सभी को बता दें कि 35 ओवर में 257 रन का टारगेट वेस्टइंडीज को दिया गया डकवर्थ लेविस नियम के तहत, और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम 137 रन पर ही ऑल आउट हो गई, और इसी दरमियान भारत ने रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तो दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट कि आखिरकार कल मैच के हीरो शुभमन गिल किस प्रकार से रहते हुए नजर आए हैं, 98 रन की कैसे उन्होंने पारी खेली, और वहीं शिखर धवन जो मैच के अंदर कप्तान थे उन्होंने भी अर्धशतक जमाया, और मैच के हीरो यजुवेंद्र चहल भी रहते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी का मनोबल बढ़ाया है। दिखाते हैं इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। टीम इंडिया ने तीसरा वनडे मैच वेस्टइंडीज को 119 रन से हरा करके सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। भारतीय टीम 39 साल से वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेल रही है, और उसे पहली बार कैरेबियाई टीम को उसके घर में क्लीन स्वीप करने के सफलता हाथ लगी है। तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट खोकर के 225 रन बनाए। शुभमन गिल 98 रन बनाकर के नाबाद थे। कप्तान शिखर धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और भारतीय पारी को वहीं समाप्त कर दिया गया। वेस्टइंडीज को डकवर्थ लेविस नियम के तहत 35 ओवर में 257 रन का टारगेट मिला, लेकिन कैरेबियाई टीम 26 ओवर में 137 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। ब्रेंडन किंग और निकोलस पूरन ने 42-42 रन बनाए। लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को 2-2 विकेट मिले हैं, तो वहीं अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 सफलता हाथ आई। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।